La 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 la. 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 प्यार आ गया रे तुझको प्यार आ गया। फ्रेंड्स, आप ये खूबसूरत फूल देखकर समझ ही रहे होंगे कि आज मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। ये देखिए एस्टर के खूबसूरत से फूल और इनके कलर देखिए आप, मनमोहक कलर हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मेरे गार्डन में ये मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जब भी मैं इनके पास आती हूँ तो हमेशा इनको टच करके जाती हूँ, मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये फूल। और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, तीनों कलर मैंने एक साथ लगाए हुए हैं, तो देखिए कितना प्यारा एक बंच बन रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है, तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि आप लगाइए ज़रूर इसको और इसका आनंद लीजिए, इसका फूल का, कलर्स का। तो एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये देखिए जैसे ये वाइट कलर है तो ये प्रॉपर वाइट कलर पहले आता है। छोटा सा फूल है अभी, ये बहुत छोटा सा निकल रहा है, तो ये देखिए वाइट कलर आ रहा है, इसमें बीच में कोई येलो नहीं है। धीरे धीरे करके जब ये बड़ा हो जाता है तो देखिए, ये देखिए इसमें जैसे ये है येलो, इसमें कलर बनने लगा है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और येलो हो जाता है, फिर प्रॉपर तरीके से ये येलो हो जाता है। ऐसे ही इसमें पिंक में होता है, कुछ छोटी सी एक देखिए पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, फिर इसमें हल्का सा येलो आ जाता है, फिर ये पहले वाइट होता है, पिंक कलर में भी पहले ये वाइटिश लिए होता है, तब ये पिंक बनता है, फिर उसके बाद ये आता है। ये देखिए जैसे कल ही आ रही है, एकदम वाइट आएगी पहले, ये एक दिन वाइट रहेगा, फिर ये पिंक हो जाता है, फिर ऐसे करके बनता है ये। तो इसमें देखिए पर्पल में जैसे पहले ये देखिए, अभी ये सबसे छोटा फूल है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए तो ये वाइट कलर आ रहा है, कहीं कहीं छोटा छोटा सा पर्पल इसमें दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद क्या होता है कि हल्का हल्का पर्पल लेना शुरू कर देता है। ये देखिए ये कल तक जो ये वाला फ्लावर है, ये कल बिल्कुल वाइट था, बस एक छोटे छोटे से कहीं कहीं एक पर्पल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज फिर भी थोड़ा सा पर्पल कलर ले लिया इसने। तो ये देखिए कितना इसमें चेंज आ गया, एक ही दिन में ये लाइट पर्पल हो गया, कल ये एकदम वाइट था और कहीं कहीं इसमें धब्बे दिखाई दे रहे थे, और फिर इसके बाद देखिए फिर ये वाला कलर इसमें आ जाता है, ये पर्पल थोड़ा सा और डार्क हो गया है, फिर इसके बाद प्रॉपर ये कलर आ गया है, और अब कुछ दिन बाद ये हार्ड पेपर की तरह एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा। अभी भी देखिए आपको आवाज़ आएगी, तो ये थोड़ा सा और अभी और हार्ड होगा, और एकदम जैसे कागज़ का फूल होता है ना, उस तरीके से ये ऐसे थोड़ा आवाज़ करने लगेगा ऐसे करने पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो बस आप इसे लगा ज़रूर लीजिए। तो बस आज यही शेयर करने जा रही थी, क्योंकि इसकी जो इस जब ये फूल उगाता है तो उसमें भी देखिए बहुत ही प्यारी एक वो आती है, कि पहले वाइट फ्लावर आता है, फिर लाइट हो जाता है उस कलर इसमें, फिर थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाता है, फिर थोड़ा और हो जाता है, फिर थोड़ा और हो जाता है, फिर इसके बाद ये और डार्क होने वाला है, जब ये एकदम क्रिस्पी सा हो जाएगा तब ये और डार्क हो जाएगा। ऐसे ही इनमें सारे फूलों में ये होता है। ये देखिए कलर इतने मनमोहक से कलर है, मैं तो बस फिदा हो ही रहती हूँ इस फूल पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फूल। और बस यही आपसे शेयर करना था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।